ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। जो बयान दिया आपके पर प्रतिक्रिया ये है, देखिए ये बयान ज्योति मिर्जा का बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है। अमित शाह मोदी सहित तमाम जो पार्टी को चला रहे पीछे से, उनकी इच्छा है कि एक बार 400 पार होने के बाद एनडीए के जो घटक दल है उनके भी एक एक करके लात मार के भगा देंगे उनको, जिस तरह पहले एनडीए के घटक दलों को भगाया था। छोटी पार्टियां उनको निकल गए थे, हमारे जैसे लोग बच के निकले थे उनके वहाँ से, जिनके पास किसी तरह का वो नहीं था, उनको डरा नहीं सके। अब संविधान बदलने के लिए ये करेंगे प्रयास, एक तो चुनाव प्रणाली को चेंज कर देंगे, अपने हिसाब से परिसीमन करेंगे, अपने अलग अलग संसदीय क्षेत्र और हिसाब से बना देंगे जिसमें जीत सके कर सके, और दूसरा आरक्षण को खत्म करने की इनकी बहुत बड़ी साजिश है कि 400 पार के बाद कोई नहीं बोलेगा, तमाम देश में आरक्षण, जब सेना को ठेके में दे सकते हैं, किसानों को परेशान कर सकते हैं, अब तो आरक्षण ही बचा और क्या। ये दलित विरोधी है, ये किसान विरोधी है, जवान विरोधी है, और सबसे ज़्यादा भारी भ्रष्टाचार अगर इतिहास में हुआ तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इसी पार्टी ने किया। गो मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा ले लिया, उनको मदद करी, कहाँ तो गाय की बात करते हैं और कहाँ उन लोगों से इन लोगों ने पैसा दिया। ये देश बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा और एनडीए गठबंधन को हराना जरूरी है। इंडिया अलायंस जो हमारा अलायंस है वो इस बार इनको कड़ी टक्कर देश के अंदर दे रहा, बोखलाए में सारे सारे, और बोखलाट के अंदर इस तरह की बातें जो नहीं कहने वाली वो बातें भी लोग कह देते हैं। और ज्योति मिर्जा ने जो बयान दिया है इसका साफ साफ संकेत है कि अंदर की बात वो लेके आइए कि संविधान ही बदल देंगे पूरा, ताकि चुनाव कराएंगे नहीं बाद में और आरक्षण को खत्म करेंगे। ये बयान निंदनीय, हमने कड़ी इसकी निंदा की। नागौर के अलावा आप और कहीं प्रचार करने के लिए जा रहे हैं? एक दो दिन बाद पहले चरण के जो है तो फिर 3-4 जगह जाऊंगा, और उसके बाद दूसरे चरण का मतदान है वहाँ भी मैं 5-7 लोकसभा क्षेत्र। एक इस बात की बड़ी चर्चा चल रही है, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, इनमें से कोई आ रहा है क्या नागौर? वो तो बात कर लेंगे ना। सुनो, हम सब ने नागौर के नेताओं ने तय किया कि हमें जहाँ जहाँ जिन नेताओं की आवश्यकता होगी राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश, तो वो सब कॉन्टेक्ट में जब भी बुलाएंगे उन इलाके में, डिमांड जैसी होगी वैसा हम कर देंगे, बुला लेंगे। क्या नागौर में दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है? अभी आपने पहले जिक्र किया था दबाव कर्मचारियों पे, आम जनता पे, काम लोग लालच देके कि भाई किस तरह बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए, डराया जा रहा लोगों को प्रशासन के द्वारा, लेकिन नागौर का मतदाता डरने वाला नहीं, उनको बहुत संघर्ष किया नागौर के लोगों।